नमस्कार दोस्तों, इस वीक में हमने एक नॉलेज सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि जिसका नाम है पहेली बूझो तो जाने। उस सीरीज में जो हम इंटरनेशनल टैक्सेशन के रिलेटेड मैटर्स को, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मैटर्स का डिस्कशंस, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड और फेमा के बारे में कुछ कंसेप्ट को डिटेल में आपके साथ में शेयर करेंगे। तरीका ये है कि हम पहेलियों के थ्रू आपको दो तीन चार क्वेश्चंस उस वीक में पुट अप करेंगे उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, और उसका अपना अंडरस्टैंडिंग उस कंसेप्ट से रिलेटेड हम उसी वीक के सैटरडे को आपके साथ में शेयर करेंगे। इसी दौरान, इसी श्रृंखला में हमारी जो पहली सीरीज है जिसमें हमने आपसे चार पहेलियाँ पूछी हैं और जिसमें जो कंसेप्ट कवर किया गया है जीएसटी में इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बाई एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर। तो उस केस में जो पहली थी वो ये थी कि अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी ओवरसीज सप्लायर से सर्विसेज इंपोर्ट करता है तो उस केस में उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में होगी या नहीं होगी, ये इसका पार्ट था। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड सेक्शन 7 जो सप्लाई को डिफाइन करता है, जिसका सब सेक्शन 1 ऑफ क्लॉज भी एक डायरेक्टली इंक्लूड करता है कि अगर कोई भी सर्विसेज अगर इंपोर्ट करता है फॉर अ कंसीडरेशन वेदर और नॉट फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड है। और इंक्लूड में क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स है और उसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो IGST का चार्जिंग सेक्शन लगेगा, जिसमें जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 है जो कि कहता है कि अगर कोई सर्विसेज और गुड्स कोई रिसीव करता है तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगा जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन नंबर 10 है, 10/2017, जिसका सीरियल नंबर 1 स्पेसिफिक कवरेज करता है कि एनी पर्सन इंपोर्टिंग एनी सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, और उस केस में कोई भी पर्सन चाहे किसी भी तरीके का है उस सबको वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। अगर वो रजिस्टर्ड है तब भी करनी पड़ेगी, अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसको उस केस में रजिस्ट्रेशन करा के वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। सो हमारी पहली का आंसर है यस, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, एंड दैट इंडिविजुअल पर्सन हु इज अनरजिस्टर्ड इन आवर पहेली हैज टू डिस्चार्ज दिस लाइबिलिटी बाई टेकिंग द रजिस्ट्रेशन। So, इसी से रिलेटेड हमने पहली नंबर 3 और पहली नंबर 4 में इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स दिए हैं। पहला एग्जांपल था कि कोई एक इस तरीके का अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल अगर कोई आर्किटेक्चरल सर्विसेज इंपोर्ट करता है फ्रॉम अ सिंगापुर फर्म तो उस केस में वही सेम आंसर होगा, वो टैक्सेबल होगा और उस अनरजिस्टर्ड को एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन लेके लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है जो एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ सर्विसेज से कवर करता है जो को ऑनलाइन डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज का पार्ट है। उस केस में एक स्पेसिफिक प्रोविजन उन्होंने डाला है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन इस तरीके की सर्विसेज लेता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हो गई, जिसकी डेफिनेशन सबसेक्शन 18 सेक्शन 2 ऑफ द IGST एक्ट में दी है, ऑनलाइन डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, अगर वो होती है और रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड होता है तो उस केस में जो लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी वो लाइबिलिटी जो सप्लायर है वो डिस्चार्ज करेगा। अगर वो या रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है तो वो रजिस्ट्रेशन लेके डिस्चार्ज करेगा। दूसरा जो कंसेप्ट था कि इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय दैट अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में बड़ा स्पेशल प्रोविजन है IGST एक्ट में, जो प्रोविजो 5 सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के प्रोविजो में कवर होता है, जिसमें वो कहता है कि इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स वो IGST तो लगेगा उसमें, लेकिन IGST एक्ट में नहीं लगेगा, वो कस्टम टैरिफ एक्ट का जो सेक्शन 3/7 है उसमें जाके उसको लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट ये है कि जब भी वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट नहीं है ये, लेकिन कंसेप्ट ये है कि जो भी कस्टम फ्रंटियर से वो गुड्स डिस्चार्ज कराएगा,
चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो सप्लायर का कोई एजेंट है, शिपर है, या सप्लायर खुद उठा के अगर देता है, तो उस केस में जो भी डिस्चार्ज कराएगा कस्टम फ्रंटियर से, उसको वो कस्टम में आईजीएसटी पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल अगर होगा, और उस तरीके की लाइबिलिटी होगी। तो जो जो दूसरी पहेली थी हमारी कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में उस अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। उस केस में जो शिपर है सप्लायर के बिहाफ पे जो काम कर रहा है उसके घर में सप्लाई करने का, उस पैकेट को उसका वो जीएसटी पे करेगा और उस जीएसटी को पे करके अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेगा। उस अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को इस तरीके के उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस सीरीज में हमने दो कंसेप्ट देखे कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज बाई एन अनरजिस्टर्ड पर्सन और इंपोर्टेशन गुड्स बाई दी अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इन दोनों केसेस में वो टैक्सेबिलिटी बनती है इसकी, अगर वो गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल हैं। लेकिन अगर सर्विसेज के केस में दो पार्ट है, अगर सर्विसेज नॉर्मल सर्विसेज है तो उसको रिवर्स चार्ज में रिसिपेंट को डिस्चार्ज करनी पड़ेगी लाइबिलिटी। अगर स्पेशल कैटेगरी सर्विसेज है लाइक ODIL, तो उस केस में उसको सप्लायर को ही डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, टैक्सेबल होगी। गुड्स के केस में बड़ा क्लियर है कि गुड्स के केस में जब भी वो जो भी गुड्स डिस्चार्ज कराएगा कस्टम फ्रंटियर से, उस जीएसटी की लाइबिलिटी उसको डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। दो इट इज नॉट कवर्ड अंडर दी प्योर डेफिनेशन ऑफ RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बट एक तरीके का एक मैकेनिज्म जो भी डिस्चार्ज करके गुड्स पहुंचाएगा उसको लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। अगली सीरीज में हम कुछ एक नया टॉपिक उठाएंगे नए सब्जेक्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।